News 18, India. के साथ जो बिहार से आ रही है तेजस्वी यादव के आवास के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जो सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। और इस वीडियो में तेजस्वी यादव आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बगल में आरजेडी के ही विधायक यूसुफ गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तेजस्वी के साथ वहां मौजूद बाकी विधायक संगीत का आनंद उठा रखे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रखे हैं। दरअसल कल जब सभी विधायक आरजेडी के तेजस्वी यादव के घर पहुंचे, उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि कोई भी विधायक अपने घर वापस नहीं जाएगा, रहना खाना सब कुछ वहीं पर किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के आवास के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। और अब तेजस्वी यादव की आवाज की तीन तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे जो कल रात की है, जब सभी आरजेडी और वाम दलों के विधायक डिनर कर रहे थे। दूसरी तस्वीर भी देखिए आज सुबह की है, जब सभी विधायकों के लंच की तैयारी चल रही थी। और तीसरी तस्वीर भी कल रात की ही है, जब नजरबंद विधायकों के मनोरंजन के लिए तेजस्वी ने एक म्यूजिशियन को अपने आवास पर बुलाया था। अलग अलग तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव की आवाज की है, जहां पर आरजेडी के तमाम विधायकों को इसीलिए रखा गया है क्योंकि कल का वो दिन होगा जब फ्लो टेस्ट होना है। ऐसे में एक भी विधायक यहां पर छिटक ना जाए, सबका बराबरी से ख्याल रखा जा रहा है। वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो फ्लो टेस्ट से पहले ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अपने विधायकों को जो है अपने साथ रखा जा सके। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी और वाम दलों के सभी विधायकों को नजरबंद रखा गया है। सभी विधायकों के खाने पीने का इंतजाम तेजस्वी के आवास पर ही किया गया है। तेजस्वी यादव ने कल शाम विधायक दल की बैठक में पहुंचे विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को नजरबंद किया और ये सभी विधायक सोमवार सुबह तक तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहेंगे। और सोमवार को यानी कि कल यहीं से विश्वास मत के लिए वोटिंग के लिए निकलेंगे। ये बहुत बड़ी खबर, तमाम जो विधायक है उन्हें नजरबंद करके जो है रखा गया है आरजेडी आवास पर ही। वहीं पर खाने पीने के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भी अब ये तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में शायद रात तक जो है उनके तमाम विधायक पहुंच जाएंगे और आरजेडी तो पहले ही तैयारी कर चुकी है। क्या माना जाए कि आरजेडी कल के फ्लोर टेस्ट में जो है नंबर पाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, नंबर पाना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि नंबर तो नीतीश कुमार के पास मौजूद है और एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया है कि 128 विधायक उनके पास मौजूद हैं और उसमें कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। हाँ, भले ही कुछ विधायकों की नाराजगी जरूर सामने आई थी, लेकिन उनके विधायक जो एनडीए का दावा है कि वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और कल जब 11 बजे नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करेंगे उस समय सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव सरकार से हटे थे उस समय तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि भले ही वो सरकार से हट गए लेकिन असली खेला होना अभी बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके विधायक अपना पाला बदल लें। और यही वजह है कि आज से दो दिन पहले यानी कल तक 12 ऐसे विधायक थे जिनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था और इसी का डर नीतीश को तेजस्वी यादव को सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नीतीश कुमार के पाले में चले जाएं। और यही वजह है कि जब विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर 5 देश रत्न मार्ग पर शुरू हुई, उसके बाद विधायकों को और MLC को साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जो भी अब यहाँ पर पहुँच गए उनको अब बाहर नहीं जाना है और उनके फ़ोन को जब्त कर लिया गया, उनको नज़रबंद कर लिया गया। और यही आवास है जहाँ पर तमाम विधायक और MLC अभी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात डर सता रहा है कि अगर ये विधायक बाहर निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका पाला छोड़कर और नीतीश कुमार के पाले में चले जाएं। और यही वजह है कि तमाम विधायकों को अभी नजरबंद किया गया है, उनको बात करने पर भी मना है ये मोबाइल पर। तो वहीं जो बिहार की और पार्टियां हैं, चाहे वो JDU की बात करें,
कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सभी लोग अपने अपने विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए अपने अपने तरीके से। चंद्रमोहन आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर बिहार से ही जो मिल रही है वो बता दें, बिहार में कल फ्लोर टेस्ट होना है। अब इसी के लिए सभी दलों पर अपने अपने विधायकों को संभालने का बहुत भारी दबाव बना हुआ है। आरजेडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को खेला हो जाएगा। अब इसीलिए बिहार के सभी दलों में खेला होने का डर बरकरार है। खुद आरजेडी भी इस वक्त बहुत डरी हुई है। यही कारण है कि सारे के सारे विधायकों को इकट्ठा करके रखा गया है आरजेडी की तरफ से। अब चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन ये बताइए कि अगर उधर कांग्रेस एक तरफ देखिए अपने विधायकों को साथ में रखे हुए है, संपर्क तो वहां से हो नहीं पा रहा होगा, इधर 78 हो जाए या 79 हो जाए, 79 मिलकर भी वो खेल तो बिगाड़ नहीं सकते, तो खेला आखिर होगा कैसे? देखिए ये कहना जरूर आसान है कि खेला होगा, लेकिन ये आंकड़े के बाजीगरी में कौन आगे निकलता है ये कल तय होगा। कल 11 बजे के करीब जब नीतीश कुमार अपना विश्वासमत हासिल करेंगे, और उससे पहले एनडीए की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि 128 विधायक जो उनके साथ है उसमें कोई हिलने वाला नहीं है। भले ही जेडीयू की कल जो भोज का आयोजन किया गया था उसमें 6 विधायक नदारद दिखे, कहा यह जा रहा है कि उनकी नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी को दूर कर लिया गया है। और आज जब विधायक दल की बैठक 5 बजे शुरू होगी विजय चौधरी के आवास पर, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हीं के आवास पर ये बैठक है, तो उसमें सारे विधायकों के पहुंचने की सूचना मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी अटकलें जो है वो कांग्रेस को लेकर है कि उनके जो विधायक हैं वो पिछले 10 दिनों से लगभग हैदराबाद में मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के विधायकों के टूटने का डर सता रहा हो और सबसे पहले यहां से उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया? तो डर सभी को बना हुआ है, और यही वजह है कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने विधायकों को समेट कर रखना चाहते हैं। और 12 तारीख और ये डर जो है अगले 24 घंटे तक रहेगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट कल होना है। लेकिन बिहार में एक दिन बाद यानी कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना होगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को खेला होगा। बिहार के सभी दलों में खेला होने का डर कैसा है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए कि आखिर पिछले दिनों क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो हुए हैं। देखिए जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के भोज में जो है 6 विधायक गैर हाजिर थे, जो हमने देखा भी कल जेडीयू के भोज में 6 विधायक गैर हाजिर है, जिसे नीतीश बहुत जो है नाराज दिखाई दिए। उधर बिहार बीजेपी की बात करें तो प्रशिक्षण शिविर के बहाने सभी विधायकों को एक जगह जमा कर रखा गया। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने टूट के डर से अपने सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर नजरबंद कर रखा है। वाम दलों के विधायक भी तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद है, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सभी विधायक कई दिनों से हैदराबाद में रखे हुए हैं, जो आज शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। तो हर पार्टी को अपने विधायकों के खिसकने का डर है, और इसीलिए सभी ने अपने अपने विधायकों को निगरानी में रखा हुआ है। आरजेडी के 78 और वाम दल के 16 विधायक तेजस्वी यादव के घर पर मौजूद तेजस्वी यादव ने शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायकों को अपने आवास पर ही रोक लिया। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट को लेकर आरजेडी के खेला वाले बयान पर साधा निशाना। नीरज कुमार ने फ्लोर टेस्ट में 200 विधायक पहुंचने का किया दावा।